नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एमी का। एमी जी, आपकी फिल्म आ रही है, ज़रा बताएं, फिल्म देख के बताएं, मैडम के बारे में भी बताएं। मेरी फिल्म सुपरस्टार भैया जी बहुत जल्दी सिनेमाघरों में आपको देखने को मिलेगी, और इसमें जो मेरा करेक्टर है, एक मैं रैपर की भूमिका प्ले कर रहा हूँ, और जो मेरे साथ मेरे को एक्ट्रेसेस हैं वो भी इसमें हिप हॉपर का करेक्टर है उनका। वो रैपर क्या होता है वो बता दो मुझे जरा। सर, रैपर क्या होता है, जो सिंगर होता है वैसे ही एक रैपर होता है। सिंगर में सुर होते हैं, रैपर के कोई सुर नहीं होते हैं, रैपर के भाव होते हैं। अच्छा, जो अपने भाव वो प्रकट करता है, मतलब गाने वो भी गाता है। हाँ जी, तो गा के सुनाइए अभी हमने। अच्छा, चल बंद कर गंदे गानों की दुकान, बेटा आ गया है, मिले आया है तूफान, मिट्टी का मैं बंदा मिट्टी में ही मिल जाऊंगा, तू बिना बात झूठा फेरता है आसमान। लोग बोलते शिकारी, बंदा मैं बिहारी, नोट कर मेरी बातें सारी, जेब ही नहीं लफ्ज भी मैं रखता बारी। हाँ हाँ, अब सुन ले फ्लो, खोल ले कान, तू हिलियो मत, बोलियो ना फालतू, आलतू जलाल तू, ले आई बला को टाल तू, एमी मेरा नाम, बिछाता फेरे चाल तू, शब्दों के तीर तेरे कान में उतार दूँ, जे गाए गंदे गाने बेटा बीच 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 में से फाड़ दूँ, मस्त बीच में से फाड़ दूँ। मस्त मस्त। मैडम, आप भी ऐसे गाने गाती हैं? जैसे कि मैं सिंगर हूँ नहीं, लेकिन इस फिल्म में मेरी वो कैरेक्टर है कि मैं हिप हॉप का एक रैपर हूँ। अच्छा, तो इसके लिए आप भी गाने की कुछ प्रैक्टिस कर रही हैं आपके कैरेक्टर को संजीदा करने के लिए? हाँ, वो तो रैप तो सीख ही रही हूँ, लेकिन बेसिकली मैं इंग्लिश सॉन्ग्स और इंग्लिश रैप ज़्यादा करती हूँ। हाँ, तो हमें सुनाइए, हमें इंग्लिश भी थोड़ी बहुत समझ में आती है। यस, वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर इंग्लिश ऑल्सो। सो Saracen Tena, they all chana give me the come to re house in Crow Dalek Simli, Hello Racking Lips in Tangore, O me on our glam, Saram, the other three eyes, Sunny, oh high, oh bright, so right, looking like a dress that is so fire. I just wanna hit K, they just wanna kick K, I just wanna give Frana. बढ़िया, कुछ समझ में नहीं आया बट बढ़िया लगा। आपको समझा होगा लेंसर साहब, आपको समझा होगा मिस्टर कुणाल लेंसर, आपको समझ में आया? बिल्कुल नहीं जी नहीं, ये शानदार था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं भोजपुरी सुनता हूँ और बॉलीवुड सुनता हूँ। आप भी गाते हैं? मैं गाता भोजपुरी गा लेता हूँ। तो गाइए, ये देसी अंदाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरी में गा देता हूँ। ये गाना तो मुझे याद नहीं है, बट जो भी आपको याद है थोड़ा सा इसको गुनगुनाया था। अरक के उठा लाली लगवलू, सॉरी याद नहीं है बट आप बोली थी इसलिए मैं बोल दिया। अब भोजपुरी गाना मैं गाता हूँ, लॉलीपॉप। ओके, पवन मियां का सॉन्ग है ये, बहुत इंटरनेशनल सॉन्ग है, सबको ही जानता है इस सॉन्ग को। तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिले लहरा डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू, तू जिला टॉप लागेलू, कमरिया 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 कहरे ला पालप लॉलीपॉप लागेलू। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, असल अंदाज तो आपका ही था। सिनेमेटिक शुभम, द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, भैया जी सुपरस्टार भैया जी, बहुत छोटी एज है यार आपकी, बहुत यंग एज के हो आप। सोच सर मेरी बहुत बड़ी है। कैसे डायरेक्टर बन गई इतनी छोटी एज में? बचपन से मुझे फिल्म बनाने का शौक था, कीड़ा है फिल्म बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा। बचपन में सेल फोन सिनेमा ढूंढता था, जब एंड्रॉयड फोन नहीं होते थे, तो मैं सेल फोन सिनेमा से कैमरे में शॉर्ट फिल्म ये सब बनाता था। जब सेल फोन सिनेमा नहीं आता था तब, तो आज वो ट्रेंड आ रहा है कि अब फोन से भी सिनेमा बन बन रहे हैं, तो वो मेरा बचपन से वो है कि मैं सिनेमा बनाऊंगा सिनेमा बनाऊंगा सिनेमा बनाऊंगा, तो ये इंटरेस्ट है। नहीं, लेकिन इस सपने को साकार कैसे, इसे इसे आकार कैसे दिया गया? ऐसे दिया गया कि 12th में मेरी कंपार्ट आ गई थी मैथ में, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं ये मेरा असली करियर इसमें नहीं बन पाएगा, जो मेरा ड्रीम है उसी को पूरा, ये पैशन मेरा नहीं है शायद। तो मैं स्पेशली घर वालों को थैंक्स बोलूँगा, अपने मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अच्छा, सुपरस्टार भैया जी ये जो फिल्म है, बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कहानी का? सुपरस्टार भैया जी, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि सुपरस्टार भैया जी सुपरस्टार भी हो सकते हैं, सुपरस्टार भैया जी कि मतलब वो लड़का जो है वो सुपरस्टार था और सुपरस्टार है बचपन से उसकी एंड तक, वो लड़का सुपरस्टार ही है, सुपरस्टार भैया जी, इसका ये मतलब। कब तक शुरू हो रही है पिक्चर? पिक्चर सर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा हमारा, म्यूजिक हमारा कम्प्लीट होते ही पहले हम म्यूजिक शूट करेंगे, फिर हम रेस्ट वो फिल्म शूट करेंगे। कुणाल लेंसर, टिकटॉक पे फेमस हो आप बड़े, मुझे ये बताया गया है, टिकटॉक पे फेमस होना कोई ज़रूरी है? जितने लोग टिकटॉक पे या बाकी चीज़ों पे वेगो पे कहीं भी हिट है वो फिल्मों में आ जाएं? एक्चुअली बात ये है सर कि मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाता हूँ, और बिल्कुल आना ही चाहिए क्योंकि सभी प्यार करते हैं और अच्छा खासा व्यूज़ भी मिलता है, तो मेरा ये है कि
आगे बढ़ूँ मैं फिल्म में जाऊँ, तो वो टिकटॉक यूट्यूब तो मेरा था कि टिकटॉक यूट्यूब पे मैं बनाता उसने प्लेटफॉर्म दिया जी बिल्कुल, तो वो चीज़ उन्होंने प्लेटफॉर्म दी टिकटॉक और यूट्यूब, तो पब्लिक लोग प्यार करते हैं वहाँ तो गुटखा भाई भी हिट है तो आप जानते हो ना गुटखा भाई का नाम जान रहा, वो मैंने सुना था एक दो बार मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस रोहित कुमार जी जी रोहित कुमार है तो उनका सुना था, बट वो हिट कुछ और है मतलब वो तो नौटंकी मीन्स बोलते हैं ना मतलब वो भी सही है कर रहे हैं वो भी ठीक है, बट उसको हिट नहीं बोलेंगे आई थिंक, मतलब वो कला जो होता है ना मतलब एक खुद पे होना चाहिए मतलब उसे आप कला नहीं मानते, कला उसको क्या मानेंगे जो गुटका चिपा जाएगा ऐसे राउंड करके फोन को कुछ भी बोलना है मतलब ऐसे। आपने सर टिकटॉक पे इनके वीडियोस देखे हैं? नहीं मैंने इनके कोई वीडियो नहीं देखे, इसलिए आपको ये इनका कला वो टिकटॉक पे चलता है। अच्छा कोई नहीं सर देख लेंगे बात नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसने हर आदमी को मौका तो दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, शायद ये एक मौका है, शायद ये एक वजह है कि इसी वजह से कुणाल लेंसर मेरे सामने खड़ा है। जी 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 हाँ यही है, और प्यार मिलता है इस पे टिकटॉक और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिलता है, और फिल्म में भी एमिविया की तरफ से बहुत ज़्यादा मिलेगा, और आप लोग जितने देख रहे हैं सब सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये मूवी जो आएगी ढेर सारा प्यार दे जैसे हमें टिकटॉक और यूट्यूब पे देते आ रहे हैं, और फिल्म को भी फिल्म में भी ऐसे टिकटॉक बनाओगे? नहीं नहीं फिल्म में रोल मेरा कैरेक्टर कुछ अलग है मतलब जो है सो अच्छा एक्टिंग वहाँ भी करता हूँ या इसमें भी एक्टिंग करना है बड़ा कैनवास शायद बड़ा जी 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 बिल्कुल। अमी जरा भोजपुरी में एक रैप हो जाए जाने से पहले। राष्ट्रपति पहला भारत के राजेंद्र प्रसाद, चाणक्य के कूटनीति और गुरु गोविंद के कैला याद, करपुर ठाकुर जन के नायक सरदार सिंह सुर के रानी, नाच भिखारी ठाकुर के या कालिदास के अद्भुत बानी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कुछ कहना है आपको? बड़ी खूबसूरत हीरोइन, आपने पहले भी फिल्में की हैं, आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे बताया, अब कुछ कहना है आपको ऑडियंस को जो इस वक्त आपको देख रही है? बिल्कुल कहना चाहूँगी जितने भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं प्यार तो आप देते ही हैं, मैं चाहूँगी और भी प्यार दे और हमारी जो फिल्म है उसको सुपर डुपर हिट बनाए। जाते जाते एक साथ आप लोग कुछ अगर सुनाना चाहें मुझे, मैं जानता हूँ कि कुणाल लेंसर को सुनाएंगे, आप लोग इन्हें सपोर्ट करिए, आइए प्लीज क्लोज आ जाइए। सॉन्ग गगर हाँ ओके जो अच्छा लगा हिट दे दीजिए आप लोग, वही गा दूंगा मैं कुछ भी ऐसे गाना। सॉन्ग ने वहां अपने इस फिल्म का हुक लाइन पे हुक लाइन हुक लाइन मैं उसी पे ही हां बोलूंगा मैं बोलूंगा। हां 2 3 गो। आजादी चाहिए आजादी चाहिए आजादी अश्लील भोजपुरी से आजादी, हां आजादी चाहिए आजादी अश्लील भोजपुरी से आजादी, हां आजादी चाहिए आजादी अश्लील भोजपुरी से आजादी। यो 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 स्क्रीन पर दिख रहे घंटी को दबाओ और बिंदास भोजपुरिया की बिंदास खबरें पाओ।